I'll be talking about this thing with a very heavy heart. 3-4 साल से वो लोग कनाडा में रह रहे थे, basically husband, wife and उनका 3-year-old kid. Hi guys, welcome back to my channel Sang Stories. I hope you all are doing good. सो आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाली हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी टॉकिंग अबाउट दिस थिंग विद अ वेरी हैवी हार्ट. एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड जो यहाँ पर कैनेडा में थे बेसिकली, एंड दे वर अ ग्रेट सपोर्ट टू अस, तो वो कैनेडा छोड़ के जा रहे हैं. एंड जब तक ये वीडियो लाइव आएगा आई थिंक तब तक वो जा चुके होंगे कैनेडा से. सो 3-4 साल से वो लोग कैनेडा में रह रहे थे, बेसिकली हस्बैंड वाइफ एंड उनका 3-year-old किड, दे वर लिविंग इन कैनेडा. एंड मतलब यू नो व्हेन यू आर अवे फ्रॉम योर फैमिली तो फ्रेंड्स ही सपोर्ट बन जाते हैं आपके, तो दे वर रियली सपोर्टिव. जब हम अपना पूरा पीआर प्रोसेस भी कर रहे थे सो दे हेल्प अस अ लॉट. एंड मतलब 3-4 साल से दे वर हियर एंड हमें भी वो काफ़ी गाइड कर रहे थे, बट अभी आई थिंक 3-4 डेज बैक दे लेफ्ट कैनेडा. एंड ऐसा क्यों करा उन्होंने, उनका जो एक्सपीरियंस है यहाँ रहने का 3-4 साल से वो हमसे काफ़ी ज़्यादा है, सो दे न्यू बेटर अबाउट दिस कंट्री, दिस सिटी टोरोंटो. तो उन्होंने डेफिनेटली जो डिसाइड करा है वो कुछ सोच समझ कर ही करा होगा. सो आई थॉट टू डिस्कस इट विद यू गाइज एंड मेक अ वीडियो ऑफ इट. सो आज इसे मैं बात करने वाली हूँ अबाउट वाई डिड दे प्लान टू लीव कैनेडा. सो वाई डिड दे प्लान टू लीव कैनेडा, सो लेट्स स्टार्ट. सो गाइज सबसे सो बेसिकली उनका जो सबसे पहला कंसर्न था जॉब को लेकर वो था कि ही हैड 8-9 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन सप्लाई चेन डोमेन, एंड यहाँ पर आकर उनको अपनी फील्ड की जॉब नहीं मिली थी. अभी आई थिंक 6 months बैक ओनली ही गॉट इन टू सप्लाई चेन वाला फील्ड, उससे पहले ही वॉज डूइंग समथिंग एल्स. तो उनको आते ही अपनी फील्ड में जॉब नहीं मिली थी एंड ही वॉज नॉट दैट हैप्पी विद द जॉब ही वॉज डूइंग. प्लस फॉर हिज वाइफ, she was into banking field and she was also not that happy with the work culture and everything over here. So what I feel is ki aap kisi nayi jagah mein jab jaate ho to jitna zaruri aapko us jagah ki cheezon mein adapt hona hai, learn karna hai nayi cheeze, utna hi zaruri hota hai to unlearn things. To india ka work culture definitely bahut alag hai compared to canada's work culture. तो जितना हम वहाँ पर सीख कर आएँ, अगर हम उसी बेस में आगे चलते रहेंगे सीधी लाइन पकड़ के, हम नया सीखेंगे लेकिन अगर हम पुरानी चीज़ें भुलाएंगे नहीं तो वी वोंट बी एबल टू अडैप्ट टू द न्यू एनवायरनमेंट एंड न्यू वर्क कल्चर. इट्स जस्ट दैट मतलब करना ज़रूरी है, अडैप्ट करना ज़रूरी है, और अगर आप कर पाते हो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं कर पाते तो तब भी ठीक है यार. इसमें कोई मतलब नॉट एवरीबडी कैन चेंज इतनी जल्दी, पीपल नीड टाइम टू चेंज एंड अडैप्ट. सो दैट्स द थिंग जो उनके लिए कंसर्न था कि वो 3-4 साल से यहाँ पर थे एंड आते ही उनको अपनी डोमेन में जॉब नहीं मिली, अभी 6 months बैक ही मिली थी एंड दे वर नॉट क्वाइट हैप्पी विद द वर्क कल्चर. प्लस आप अगर अपनी फील्ड में जॉब ढूंढ रहे हो और अगर वो नहीं मिलती है सो यू हैव टू बी लिटिल फ्लेक्सिबल एंड धीरे धीरे ग्रोथ आ जाती है, बट ऐसा नहीं है कि आप स्टक होकर नहीं रह सकते कि मुझे अपनी ही जॉब फील्ड में जॉब चाहिए, चाहे 6 महीने लग जाए या 1 साल लग जाए. ठीक है, एक सर्टन टाइम पीरियड तक आप रुक सकते हो बट उसके बाद यू विल हैव टू डू समथिंग, राइट? सो वही चीज़ है, आप कई लोग अडैप्ट कर जाते हैं और कई नहीं कर पाते. तो मेरा भी आई एम टू अर्ली टू से अ लॉट ऑफ थिंग्स क्योंकि मेरे को सिर्फ 4 महीने हुए हैं. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट माई फ्रेंड्स एक्सपीरियंस एंड वाई दे हैड टू लीव कैनेडा. सो जो उनका सेकेंड कंसर्न था दैट वॉज द वेदर ऑफ टोरोंटो कैनेडा विंटर्स. सो ये मैं अपनी पहले की वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, बट नाउ दैट आई वॉज गेटिंग अ रियलिटी चेक क्योंकि मेरे फ्रेंड्स यहाँ पर 3-4 साल से रह चुके हैं एंड उनके लिए ये बहुत बड़ा कंसर्न था. एंड आई एम श्योर 3-4 साल से अगर कोई रह रहा है तो उन्होंने डेफिनेटली ट्राई करी होगी, बट ऑब्वियसली वो अडेप्ट नहीं कर पा रहे होंगे. तो मैं तो अब जब भी विंटर्स के बारे में सोचती हूँ ना मुझे गूज़बम्स आ जाते हैं. यहाँ पर समझ में रात काफ़ी लंबी होती थी, 9:30 के अराउंड सनसेट होता था और अभी अराउंड 8 o'clock सनसेट होने लगा है. तो मुझे ऑलरेडी डर लगने लगा है कि यार विंटर्स आर अप्रोचिंग, समर्स ख़त्म होने वाली है तो पता नहीं क्या हाल होगा. सो यू नो इनिशियली दे वर लिविंग इन अ बेसमेंट एंड बेसमेंट में विंटर्स में सच में बहुत ग्लूमी हो जाता है, बट अगेन विंटर्स आर विंटर्स तो वो ठंड तो कहें चाहे आप कॉन्डो में रहो बेसमेंट में रहो, स्नो तो उतनी ही पड़नी है, तो वो चीज़ आपको अडैप्ट करनी पड़ेगी. ऑन द कॉन्ट्ररी एक चीज़ है कि यहाँ पर अंदर सब कुछ हीटेड है, इंसुलेटेड है,
तो चाहे बस हो, मेट्रो हो, मॉल्स हो, आपका खुद का घर हो, ठीक है, तो अंदर हीटर होता है, हीटेड होता है प्रॉपरली, सेंट्रलाइज हीटिंग होती है, तो अंदर ऐसा कुछ इशू नहीं होगा. बाहर आप निकलोगे तो ऑब्वियसली स्नो यहाँ पर टोरंटो में, अगर मैं सिर्फ स्पेसिफिकली टोरंटो की बात करूँ तो बहुत स्नो पड़ती है, जो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बताया था कि बहुत मुश्किल हो गया था उनके लिए सर्वाइव करना. तो दैट्स अ थिंग कि यार हर कोई विंटर्स भी सर्वाइव नहीं कर पाता यहाँ पे, तो उनके लिए सेकंड कंसर्न ये था, जो वो 3-4 साल से विंटर्स झेलते आ रहे थे, बट फाइनली दे थॉट दे वोंट बी एबल टू लाइक लिव लाइक दिस ओवर हियर. सो गाइज, जो उनका नेक्स्ट कंसर्न था वो था होम सिकनेस. एंड हम सबको पता है इसके बारे में कि डेफिनेटली आप यू फील लोनली, यू मिस योर फैमिली, बट उनका जो कंसर्न था वो ये था कि ओके, सो दे हैव मूव टू दुबई ऑलरेडी. जब तक ये वीडियो लाइव होगी तब तक वो फ्लाइट लेकर जा चुके होंगे एंड कैनेडा से वो लोग दुबई गए हैं, क्योंकि जो हमारा फ्रेंड है वो दुबई कुछ साल ऑलरेडी कैनेडा आने से पहले वहाँ पर रहता था, एंड उसके बाद उन्होंने यहाँ के कैनेडा के PR के लिए अप्लाई करा था एंड देन दे केम हियर. सो उनका ऑलरेडी दुबई में थोड़ा एक्सपीरियंस था रहने का, सो अब वो लोग दुबई शिफ्ट हो गए. तो ऑब्वियसली एज यू ऑल नो, दुबई से इंडिया 3-4 घंटे दूर है, एंड क्या होता है ना, आपको कल को घर जाना है तो यू कैन ईजिली विजिट बैक होम, क्योंकि इंडिया एंड दुबई 3-4 घंटे है. सो उनका नेक्स्ट कंसर्न ये था दैट होम सिकनेस, दे वर मिसिंग देयर फैमिली, 14-15 घंटे का डिस्टेंस है, फ्लाइट्स आर वेरी एक्सपेंसिव. आप जस्ट लाइक दैट वन मॉर्निंग आप उठ के ऐसे नहीं सोच सकते हो कि यार घर की बहुत याद आ रही है, चलो फ्लाइट बुक करते हैं, चलते हैं. यू हैव टू प्लान इट ऑल, यू हैव टू सी द बजटिंग. सो उनका यही पॉइंट था, उनका यही कंसर्न था कि दुबई से 3-4 घंटे दूर है एंड कभी भी वो लोग प्लान कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने सोचा कि कैनेडा से दुबई सेटल होना बेटर है. सो जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो मेजर कंसर्न था उनका और विच आई टोटली एग्री टू, दैट इज़ हाई टैक्सेस इन कैनेडा. सो यहाँ पे टैक्सेस जेन्युइनली ऑनेस्टली बहुत हाई हैं कंपेयर्ड टू, इफ़ आई कंपेयर इट विद इंडिया और मे बी दुबई. दुबई तो आई थिंक इट्स टैक्स फ्री, या टैक्सेस आई डोंट नो टैक्स फ्री है या नहीं है, बट ऑब्वियसली इतने टैक्सेस नहीं हैं जितने यहाँ पर हैं कैनेडा में. तो उनका नेक्स्ट कंसर्न वो था कि यार इतना यहाँ पर इतनी सेविंग्स नहीं हो पा रही हैं, जितनी सैलरी बढ़ती है उतने टैक्सेस भी बढ़ जाते हैं उसके साथ, 30-50%, 60% इवन टैक्सेस होते हैं. और मतलब इसके भी दो पर्सपेक्टिव हैं, कई लोग ऐसे सोचते हैं कि यार अगर आप टैक्सेस पे कर रहे हो यहाँ पे तो आपको चीज़ें भी मिल रही है, फॉर एग्जांपल चाइल्ड केयर बेनिफिट्स मिलते हैं यहाँ पर, प्लस हेल्थ केयर होता है. बट अगर आप लोग कैनेडा आने की सोचो, आप रिसर्च करी होगी आप लोगों ने काफ़ी, तो आपको पता होगा कि कैनेडा का हेल्थ केयर कैसा है. सो जो मेरा फ्रेंड है जो ऑलरेडी अब शिफ्ट हो गया, तो उन्हीं की वाइफ के साथ एक उनका एक एक्सपीरियंस हुआ था. एक्चुअली काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस हुए थे 3-4 साल में, जिसमें से एक था कि उनको कुछ नी में प्रॉब्लम हो गई थी एंड शी वॉज रियली इन पेन. तो वो लोग हॉस्पिटल गए एंड उनको वहाँ पर कुछ 5-6 घंटे के लिए इमरजेंसी में मतलब वेटिंग के लिए वेट करवाया गया. उसके बाद जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है उसकी अपॉइंटमेंट उस मतलब इमिडिएटली, जैसे इंडिया में इमिडिएटली मिल जाती है, क्योंकि इमिडिएटली नहीं तो 1-2 दिन में मिल जाती है, बट यहाँ पर 2 महीने बाद की मिली थी. तो मतलब 2 महीने बाद आप एक स्पेशलिस्ट से मिलोगे जो एक्चुअली देखेगा और प्रॉब्लम बताएगा, तो 2 महीने में वो प्रॉब्लम कहाँ से कहाँ पहुँच सकती है, राइट? वही बात है, कोई लोग सोचते हैं कि यार हेल्थ केयर फ्री है, और आप मतलब फ्री भी नहीं है, आप लोग टैक्सेस दे रहे हो उसी में से आपको मिल रहा है, सो इट्स बेसिकली नॉट फ्री, यू आर पेइंग फॉर इट. कैनेडा रियली नीड्स टू वर्क ऑन देयर हेल्थ केयर. सो या ओके, सो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हाई रियल इस्टेट प्राइजेज, एंड विच आई टोटली एग्री टू. अभी तो तब भी थोड़ा सा कम होने लगा है, डिक्लाइन में है, बट अभी आई थिंक अ मंथ बैक बिल्कुल पीक पर था. एंड यू नो दे वर ऑल्सो न्यू इमिग्रेंट्स ओवर हियर, तो जैसे सबकी जर्नी होती है, आप आते हो, पहले आप बेसमेंट रेंट करते हो, फिर कॉन्डो रेंट करते हो, गाड़ी लेते हो, एंड देन आफ्टर 2 ईयर्स आप सोचते हो कि आप अपना घर ले पाओ. तो जो घर यहाँ पर 7-8 लाख्स के थे फ्यू मंथ्स बैक, फ्यू ईयर्स बैक, वो अभी कुछ 1 मिलियन तक पहुंच चुके थे. सो यही उनका कंसर्न था, द राइजिंग रियल इस्टेट प्राइजेज, एंड आप कैसे इन्वेस्ट करो, घर कैसे खरीदो. घर खरीदो तो पूरी उम्र निकल जाए मॉर्गेज देते हुए. प्लस वन मोर थिंग जो उनका पॉइंट था कि जितना इन्वेस्टमेंट आप यहाँ करके घर लोगे, आप उतना इन्वेस्टमेंट मे बी इंडिया में या दुबई में करके एक बढ़िया घर ले सकते हो. सो दीज वर द कंसर्न जो सोच सोच के उनको मतलब दे केम टू दिस कंक्लूजन कि इट्स बेटर दैट दे मूव आउट ऑफ कैनेडा राइट नाउ. इससे ज़्यादा भी 3-4 साल ऑलरेडी काट लिए, अगर सेटल होना होता है, अडेप्ट कर पाते तो अभी कर पाते. सो गाइज, जो एक और कंसर्न था जो मैं पहले बताना भूल गई, उनका वो था दैट
कनाडा आने से पहले जहाँ पर वो वर्क कर रहे थे, सो ही वॉज वर्किंग एज अ GM इन दैट कंपनी. सो उनको यहाँ पर आकर जो जॉब मिली थी वो कुछ वो कोई मैनेजरियल पोजिशन की मिली थी, ऑब्वियसली GM से काफ़ी नीचे की जॉब थी वो. यहाँ पर स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ता है व्हेन यू कम टू कनाडा, क्योंकि यहाँ पर कनाडा में ऐसे ही कल्चर है दैट यू नीड कैनेडियन एक्सपीरियंस. अगर आपका 5 साल का 10 साल का किसी और कंट्री का एक्सपीरियंस है तो वो यहाँ पर नहीं माना जाता है. एंड आप एज GM वर्क कर रहे थे एक जगह पर और वहाँ से आप कनाडा आए जहाँ पर आपको काफ़ी लोअर लेवल जॉब मिली, सो यू नो यू डेफिनेटली फील बैड. और चलो आप उस टाइम तो जॉब ले लेते हो क्योंकि आप अपनी सेविंग्स कितनी स्पेंड कर सकते हो. तो ऐसे बोला जाता है ना कि आप किसी जॉब में अगर करते हो खुश नहीं हो, यू आर नॉट पैशनेट अबाउट डूइंग दैट जॉब, यू आर नॉट हैप्पी, यू आर जस्ट गेटिंग अप एवरी डे एंड गोइंग टू दैट जॉब फॉर द सेक ऑफ मनी, फॉर द सेक ऑफ जस्ट गोइंग, तो कोई फायदा नहीं है. लॉन्गर रन में वो आपको हिट करेगा ही करेगा लाइफ में कि आप क्या कर रहे हो. सो यही शायद उनके साथ भी हुआ. सो जो उनका नेक्स्ट कंसर्न था दैट वॉज नो सोशल लाइफ. सो बेसिकली इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम इंडिया तो आपको पता ही होगा कि इंडिया में कितना मिलना जुलना होता है, फेस्टिवल्स बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करे जाते हैं एंड हर फेस्टिवल में एक दूसरे के घर आना जाना होता है. सो यहाँ पे डेफिनेटली वैसा कल्चर नहीं है एंड नॉट एवरीबडी इज़ रेडी टू अडैप्ट टू दैट. ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर इंडियन फेस्टिविटीज़ या फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं करे जाते हैं, यहाँ पर भी इंडियन कम्युनिटी है एंड काफ़ी सारे फेस्टिवल लाइक दिवाली इज़ अ मेजर इंडियन फेस्टिवल एंड यहाँ पर बहुत अच्छे से मैंने सुना है सेलिब्रेट करती है. डेफिनेटली इंडियन एनवायरनमेंट बैक इन होम होती थी ऐसे आपको डेफिनेटली नहीं मिलेगी, वो तो है. सो गाइज दैट्स अबाउट इट. दीज वर देयर मेजर कंसर्न जिनकी वजह से उन्होंने डिसीजन लिया दैट दे विल बी लीविंग कैनेडा. एंड दिस वीडियो इज़ नॉट टू डीमोटिवेट एनीबडी. सबके अपने अपने थॉट्स होते हैं, अपनी पर्सनल चॉइसेस होती हैं एंड आई पर्सनली फील कि लाइफ में जो आपको हैप्पीनेस देना आपको वो करना चाहिए. एंड नथिंग इज़ राइट और रॉन्ग. अगर हम लोग यहाँ रह रहे हैं एंड हम लोग यहाँ पर खुश हैं तो दैट्स अ गुड थिंग. अगर वो लोग यहाँ से छोड़ के चले गए एंड दे आर गोइंग टू दुबई और मे बी इंडिया तो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग. सो कुछ भी नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं है, कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं है. इट्स जस्ट दैट कहाँ पर आप खुश हो, कहाँ पर हैप्पी हो एंड नो प्लेस इज़ परफेक्ट. कोई भी कंट्री परफेक्ट नहीं होती, सब जगह में कुछ अच्छा हो कुछ बुरा होता है. बट दिस एक्सपीरियंस वॉज लाइक वेरी क्लोज टू मी कि मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स कैनेडा से जा रहे हैं एंड आई वुड रियली मिस देम. सो आई रियली थॉट दैट आई शुड शेयर इट विद यू गाइज सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड गेट अ क्लैरिटी. सो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आई वुड डेफिनेटली लव टू हेयर योर थॉट्स. आप लोग प्लीज़ कमेंट डाउन कर सकते हैं एंड शेयर कर सकते हैं व्हाट यू थिंक अबाउट दिस वीडियो एंड द टॉपिक दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट एंड आई लव टू हेयर योर थॉट्स. अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय.